You might remember that we have completed the complete QuickBooks vendor management portion of our course. In vendor management, we have studied how to register a vendor, and we now know that vendors are going to be those entities which are going to provide us, the consumers, as far as they are concerned, with services and goods. Vendors can also be.

बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम ख़ुद कर सकते हैं अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम वो चीज़ें बना सकते हैं अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं तो वो सर्विसेज देने के लिए जो पर्सनल है वो सारे हमारे पास होते हैं लेकिन बास ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें बाहर से मदद लेनी पड़ती है और बस चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि बाहर से ख़रीदे बगैर आप वो काम कर ही नहीं सकते छोटी सी मिसाल अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी रॉ मटेरियल यकीनन आपने बाहर से ही खरीदना है इसी तरह अगर आप कोई कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं तो किसी स्पेशलिस्ट की अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो स्पेशलिस्ट आपने बाहर से ही हायर करना है और उसको हमने यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट या अपने टास्क के लिए इन तमाम एंटिटीज़ को हमें पे करना है अपने पास से और ये तमाम लोग जो हमें सर्विसेज़ और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमारे वेंडर्स कहलाते हैं इनकी अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है जिस तरह से आपको अपने कस्टमर्स की अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हमने कस्टमर्स को चीज़ें बेच दी और उनका हिसाब रख लिया तो हमारा काम पूरा हो गया ऐसा नहीं होता हमें यह भी देखना होता है कि हमने वो सर्विसेज या गुड्स जो हमने अपने कस्टमर्स को दिए उनको देने के लिए जो ख़र्चा किया है उसको भी हमें अकाउंट फॉर करना है उसको भी रिकॉर्ड करना है और हमने ये देखना है कि वो ख़र्चा कितना हुआ और उस ख़र्चे को देखते हुए हमें अंदाज़ा होगा कि हमें इस पूरे प्रोजेक्ट में इस पूरी एंटरप्राइज में हमें प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने तमाम वेंडर्स के भी अकाउंट्स मेंटेन करें और जिस तरीके से हम अपने कस्टमर्स के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस फ़ाइनलाइज करते हैं उसी तरह हम अपने वेंडर्स के साथ भी टर्म्स एंड कंडीशन फ़ाइनलाइज़ करें कोशिश तो हमें ये करनी चाहिए कि टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा हमारे लिए फेवरेबल हो ताकि हम उनको वक्त पे अदायगी कर सकें और आगे से जो हमें पैसा अपने कस्टमर्स या क्लाइंट से मिल रहा है उसको भी हम अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकें इन तमाम चीज़ें करने के लिए हमें रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अहम है अकाउंट्स पेबल इसलिए भी अहम है क्योंकि हमें वही शराइ जो हमने अपने कस्टमर्स को लगाई थी वही शराइ हमारे वेंडर्स हमारे ऊपर भी लागू कर सकते हैं ये वेंडर्स हमारे गुड्स या सर्विसेज के सप्लायर्स हो सकते हैं लेकिन एक और टाइप का वेंडर जो कि क्विक बुक्स में मैंने आपको पहले भी बताया मौजूद है वो वो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जो एक्सपेक्ट करती हैं कि हम टैक्स कलेक्ट करें और ये टैक्स गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा कराएं। ये एजेंसीज़ हमारी पूरे अकाउंट्स का ऑडिट भी कर सकती हैं एज एंड वन रिक्वायर्ड और हमसे पूछ भी सकती हैं कि आपने अपनी सर्विसेज़ कहां-कहां से ली हमें पूरा ट्रैक इस वजह से अपने वेंडर्स का रखना बहुत ज़रूरी है इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि आजकल सेल टैक्स और इनकम टैक्स के लिए आपको रजिस्टर होना पड़ता है और हमें ये भी ट्रैक रखना पड़ता है कि हमारे तमाम वेंडर्स जो कि हमें सर्विसेज और गुड्स सप्लाई कर रहे हैं वो क्या गवर्नमेंट एजेंसी से रजिस्टर्ड हैं या नहीं और अगर रजिस्टर्ड हैं तो उनका टैक्स रेट क्या है और अगर नॉन रजिस्टर्ड हैं तो उनका टैक्स रेट क्या है ये तमाम इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए होती है और ये चीज़ें भी हमें अपने पास रिकॉर्ड करना ज़रूरी हैं तो अकाउंट्स पे जैसे कि आप समझ रहे थे कि बस ये लोगों को हमने पैसे देने हैं उसका रिकॉर्ड है ये उससे बहुत ज़्यादा आगे है और इसीलिए हमारा अकाउंट्स पेएबल का जो डिपार्टमेंट है उसे भी बहुत ज़्यादा विजिलेंट और रोबस्ट होना चाहिए ताकि उसे पता हो कि हमने पेमेंट्स कब कब करनी है और कितनी कितनी करनी है किस केस में हमने मिनिमम पेमेंट कितनी करनी है ताकि हमें मज़ीद पेनल्टी वग़ैरह ना पड़ सके आइए देखते हैं हम अकाउंट्स पेबल में और क्या क्या चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए अकाउंट्स पेबल की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है अकाउंट्स पेबल बेसिकली वो तमाम अखराज हैं वो ख़र्चा है वो एक्सपेंसेस हैं है जो आपने अपना काम चलाने के लिए किए हैं और इसके अवश्य आपको अपने वेंडर को कुछ ना कुछ पेमेंट करनी है जितनी हमने सर्विसेज और गुड्स परचेज किए हैं उसके अवस हमने अपने वेंडर्स को पेमेंट्स करनी है इसके रिकॉर्ड को रखने को अकाउंट्स पेबल कहते हैं होता यह है कि जिस तरह से हम अपने क्लाइंट्स या कस्टमर्स को क्रेडिट देते हैं उसी तरह हमारे वेंडर्स हमको क्रेडिट देते हैं और ये चीज़ का तयन उस वक्त होता है जब हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन में हम लिख देते हैं कि हम आपको पेमेंट इस तरीके से करेंगे मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं हो सकता है कि हम एडवांस में कुछ पैसे उन्हें दे, दे दें और बाकी पैसे काम पूरा होने के बाद दें हो सकता है कि हम उन्हें काम पूरे होने के तीस दिन के अंदर पेमेंट कर दें या हम कोई माइल डिफाइन कर लें जिसके कंप्लीशन के बाद हम पेमेंट करते रहेंगे ये तमाम तरीक़ेकार हम डिफाइन करते हैं अपने वेंडर्स के साथ उसी तरह जैसे हमने ये तरीकेकार डिफाइन किए हैं अपने कस्टमर्स के साथ हो सकता है ये बैक टू बैक एग्रीमेंट हो जैसे ही हमने अपने कस्टमर के साथ किया है वही बैक टू बैक हम अपने वेंडर्स के साथ कर लें लेकिन ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की नौीय क्या है ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपका बिजनेस डिफाइन करेगा इसके अलावा ये याद रखें कि अकाउंट्स पेबल हमेशा लाइबिलिटी है इसका मतलब क्या है कि ये वो ख़र्चा आपके ऊपर है जो आपने वापस करना है ड्यूरिंग अ सेट पीरियड ये सेट पीरियड टर्म्स एंड कंडीशन में भी डिफाइन हो सकता है और ये वैसे भी डिफाइन हो सकता है कि काम कंप्लीशन के बाद आपने इतने दिनों के अंदर अंदर ये पेमेंट पूरी करनी है ये करंट लायबिलिटीज भी हो सकता है और ये और किस्म की लायबिलिटीज भी हो सकती हैं लेकिन याद रहे कि हमने अपने सप्लायर्स को अपने वेंडर्स को जो पेमेंट करनी है एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन दे आर ऑलवेज नोटेड एंड दे हैव टू बी पेड एज एंड वेन रिक्वायर्ड गवर्न बाय द टर्म्स एंड कंडीशन दैट वी हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद आर विंडर्स उसके तहत हमने उनकी पेमेंट करनी है अब अकाउंट्स पेबल की ये सिंपल डेफिनेशन है जिससे हमें पता चल गया कि हमने जो इनसे गुड्स या कंज्यूमर सर्विसेज वगैरह हमने ली हैं उसकी हमने पेमेंट करनी है लेकिन पेमेंट करने के लिए इतने बड़े डिपार्टमेंट को विजिलेंट होने की क्या जरूरत है उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये पेमेंट किस दौरान के अंदर अंदर करनी है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ अगर आपके पास बिजली गैस या टेलीफोन के बिल आते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन तमाम बिल्स में एक डेट दी गई होती है जैसे कहते हैं ड्यू डेट अगर आपने पेमेंट ड्यू डेट के अंदर कर दी तो ये अमाउंट है और अगर ड्यू डेट के अंदर पेमेंट नहीं की तो अमाउंट आपकी बढ़ जाती है ये एक छोटी तरीन मिसाल है इसकी अगर आपको ये ना पता हो कि हमने पेमेंट कब करनी है या आपके पास बिल आ गया है और आपने रख दिया है तो आप और से भूल गए हैं तो आपके ऊपर खवा खवा में लेट पेमेंट सरचार्ज पड़ जाएगा अच्छा छोटी कंपनियों में तो ये शायद बहुत ज़्यादा ना होता हो लेकिन जैसे जैसे कंपनी का साइज़ बढ़ता जाएगा उसके ऊपर बहुत सारे सरचार्जेस और पेनल्टीज पड़ सकती हैं और इन पेनल्टीज़ और सरचार्जेस से बचने के लिए हमारे अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट का विजिलेंट और हमेशा तैयार और जागते रहना ज़रूरी है कंप्यूटर्स ने हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है उसमें से एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है कंप्यूटर्स की वो ये है कि वो अलार्म की तरह हमें अलर्ट्स देते हैं इसीलिए हम चाहते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े अगर आपने कोई पेमेंट किसी ख़ास फ़लानी तारीख को करनी है और आपने उसे नोट किया हुआ है लेकिन आप वो नोट पढ़ना भूल गए तो आप वो पेमेंट नहीं करेंगे और आपके ऊपर पेनल्टी से चार्ज पड़ जाएगा लेकिन इसके लिए आप पे फ़र्ज़ है कि आपने जो जो चीज़ नोट की हुई है वो आप ख़ुद ही चेक करें लेकिन कंप्यूटर ने हमें ये आसानी ये सहूलत दी है कि जैसे ही हम सुबह खोलते हैं हमें सारे अलर्ट्स नोट्स और ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं कि हमें ये चीज़ अदा करनी है जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने एक बिल ना देने पे लेट पेमेंट लगा ली इसी तरह बहुत सारे बिल टाइम से पहले देने पे आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आपने वो डिस्काउंट अवेल करना है तो आपने वो बिल एक मुकर तारीख से पहले देना होगा ये तमाम चीज़ें अकाउंट्स पेबल में रिकॉर्ड होती हैं और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो आपको प्रोजेक्ट या अलर्ट करता रहता है कि आप जाके ये तमाम चीज़ें ये तमाम चीज़ें देखते हुए पेमेंट्स वक्त पे करें इसके अलावा जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती रहेगी पेनल्टीज़ और सचार्जेस की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी ख़ास तौर तो पर कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ ये बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उन्हें एल पड़ सकती हैं अगर आपने काम मुकर वक्त पे ख़त्म नहीं किया कंप्लीट नहीं किया तो आपके ऊपर लेट डेवलपमेंट पेनल्टीज़ पड़ जाएंगी और ये बड़ी ज़्यादा और हेफ्टी होती है और ये तमाम चीज़ें फोरकास्ट करने और आपको बताने का काम अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट को है अगर आपकी कोई पेमेंट जानी है अगर कोई एल सी खुलनी है कोई एल सी होनी है ये तमाम चीज़ों का ट्रैक अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट रखता है आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि अकाउंट्स पेबल ज़रूरी क्यों है वो इसलिए ज़रूरी हैं कि पेमेंट्स भी उतनी ही ज़रूरी है जितना रिकवरी और पेमेंट्स वक्त पर ना करके हम बहुत सारी पेनल्टीज का शिकार हो सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो लूज़ आउट ऑन डिस्काउंट्स हमें डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा पेनल्टीज भी हम पे लग जाएगी और ये भी हो सकता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में हमारा काम भी रोक दिया जाए इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट विजिलेंटली एक्ट करे और हमें टाइमली बताए कि वन द पेमेंट इज़ ड्यू पेमेंट्स करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन तमाम चीज़ों से बच के रहें और अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो ये तमाम चीज़ों का अहाता करता है और इनका रिकॉर्ड रखता है और एज एन वेन रिक्वायर्ड हमें ये बताता रहता है कि नाउ योर पेमेंट इज़ ड्यू अच्छा ये सारी चीज़ें अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट की ज़रूर हैं लेकिन इससे बढ़ के भी इसके पास बहुत सारे काम हैं अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो करती है उस उस तरह वो भी ग्रो करता है और उसको बहुत सारी चीज़ों का ये चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये तमाम चीज़ें किस तरीके से हैंडल की जाएंगी आप खुद देख सकते हैं कि अगर कोई सुपर स्टोर हो तो वो बहुत सारे वेंडर से बहुत सारी चीज़ें ले रहा होगा लेकिन उसने सिर्फ़ इन तमाम चीज़ों का और तमाम वेंडर्स का रिकॉर्ड नहीं रखना उसने ये भी ट्रैक रखना है कि इन तमाम चीज़ों में कौन सी अशियाँ हैं जो टैक्सेबल हैं और कौन सी अशियाँ हैं जो नॉन टैक्सेबल हैं इसके अलावा जो जो टैक्स उसने काटा है वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को देने के लिए उसे ये भी हिसाब रखना है कि हमने किस किस डिपार्टमेंट को कितना टैक्स जमा कराना है इस पूरे लेक्चर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अकाउंट्स पे भी हमारे अकाउंट्स का उतना ही ज़रूरी जुज है जितना कि accounts receivable.